अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। दिस इज़ आवर चैनल डिलीशियस मॉम्स किचन एंड व्लॉग्स। और आज हम फाइनली, आज बच्चों को छुट्टी मिल गई है आज से, तो अभी और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो सोचा बाहर कहीं घुमाए जाकर। लेकिन उससे पहले हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि वहाँ पर अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, तो सबसे पहले हम जाएंगे हॉस्पिटल, उसके बाद देखते हैं फिर टाइम क्या होता है वहाँ पे, जैसे फारिग होंगे उसके बाद में फिर देखते हैं क्या प्लान करते हैं वो। तो चलिए पहले मिलते हैं डॉक्टर से। कितने कंजूस है देखो, कितने कंजूस। कंजूस, ये रहा वो कंजूस इंसान, देखो गौर से देखो इस कंजूस को। तो क्लिनिक के पास में ही चाट वाली शॉप थी, तो जब तक हम लोग क्लिनिक में थे तब तक बच्चे लोग अपना भूख लगी तो चाट खाने के लिए चले गए। आपकी बना दो वीडियो, यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब के पर आएंगे वीडियो में, कुछ बोलेंगे। और ये भैया यूट्यूब पे आने के लिए बहुत खुश हो गए थे, और मैं इनका नाम पूछने के लिए भूल गई थी, और खुशी के मारे इन्होंने मुझे एक पानी पूरी भी खिलाए थे। हाँ, मीठी खाकर आपको क्या पता चला टेस्ट कैसा है वो। हसन, आपका सेव पूरी कैसा था? हाँ, अच्छा था। और जैसे ही हम लोग बाहर आए, इस लड़के की चप्पल टूट गई। चप्पल टूट गई, और वो तो अच्छा था कि बाजू में ही चप्पल सिलाने वाला मिल गया, तो उसने चप्पल सिला के दे दिया, वरना नई चप्पल खरीदना पड़ती है अब हमें। क्यों तो सिन खरीदी है? चप्पल टूटने की वजह से सारे प्लान हमारे चौपट हो गए, और फिर बाजू में ही स्टोर था, वहाँ से बस छोटी मोटी शॉपिंग कर ली हमने, और हमें घर वापस आना पड़ा क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर घर ही आ गए हम लोग। घर आकर मैंने फिर झटपट से सब्ज़ी बनाने का सोचा, क्योंकि जाते वक्त मैं ज़्यादा कुछ बनाकर नहीं गई थी, हम लोगों का बाहर से ही खाकर आने का प्लान था, पर फिर बाद में हम लोग सिर्फ चाट खाकर ही आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि डिनर में सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च की सब्ज़ी बच्चे लोग शौक से खाते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से प्याज कट कर लिया है, और इसमें मैंने तड़के में ज़ीरा डाला था और उसमें प्याज डाला है, और अब ये लहसुन डाल रही हूँ उसमें, दो तीन बीज तोड़ कर लहसुन के, और उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें, बस थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और उसके बाद में जो एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला आता है वो डालूँगी, और नमक डालूँगी उसके बाद में इसमें। अब इसमें शिमला मिर्च को मैं क्यूब में नहीं काटूंगी, एकदम छोटी छोटी सी काटूंगी शिमला मिर्च को, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं इसमें, और फिर बाद में आधा ग्लास पानी डालूंगी इसके अंदर, और उसको धीमी आंच पे ढक के पका लूंगी मैं। तो चलिए सब्ज़ी रेडी होती है, तो फिर उसके बाद में देखते हैं कैसी बनती है सब्ज़ी। तो अब ये देखिए सब्ज़ी कितनी मज़ेदार तैयार हो गई है, और बहुत ही टेस्टी बन गई है। और ये मेरे बेटे ने अपनी प्लेट बना लिया है, ये है राइस फ्राई, सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए आ जाइए खाने के लिए।
और अगर अच्छी लगी सब्ज़ी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का दिन बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट आने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर वीडियोस में कि हम लोग ऑटो ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका ये रीज़न है कि हमारे यहाँ पर टैक्सीज नहीं चलती, ऑटो ही ज़्यादा चलती है। और ज़्यादातर हमें फिर ट्रैफिक की वजह से ऑटो से ही आना जाना पड़ता है। तो चलिए बच्चों के स्कूल चलते हैं, होप रिज़ल्ट अच्छा। लिफ्ट फोर्थ फ्लोर तक ही जाती है और फिफ्थ पे नहीं रुकती है, इसलिए हम फोर्थ फ्लोर पर उतर कर अब स्टेयरकेस से ऊपर जा रहे हैं। तो अब मैं क्लास में जा रही हूँ और अंदर वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो मिलते हैं आने के बाद में। तो अब हम आ गए क्लास के बाहर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है मेरे बेटे का। और मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा है कि उसे पार्टी चाहिए, तो वो सोच रहे अभी कुछ प्लान करने का। तो लेकिन सबसे पहले अभी हमें बुक्स के स्टॉल पर जाना है और वहाँ पर नंबर पे खड़े होना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होती है वहाँ पर। तो चलिए अब जाते हैं बुक स्टॉल पे और देखते हैं क्या होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब कितना ज़्यादा रश है और मुझे अपना नंबर आने के कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछले पौने घंटे से मैं खड़ी हूँ, पर देखिए अभी और कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर लाइन में। तो बुक्स की लाइन में खड़े रहकर कोई फ़ायदा नहीं हो गया, दो घंटे धूप में खड़े रहने के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बुक्स ले ख़रीदने का आज छोड़ ही देते हैं। और मैं किसी काम से वाशी जा रही हूँ, तो बच्चों ने कहा कि वो भी साथ चल रहे हैं और फिर वहाँ जाके भी कुछ पार्टी वार्टी कर लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए सीधा स्टेशन और अब हम लोग जा रहे हैं वाशी। तो अब चलिए आप भी हमारे साथ में। तो अब हमने यहाँ पर आकर पहले सबसे पहले तो अपना काम कर लिया है और उसके बाद अभी हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड और यहाँ पे अभी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने बर्गर्स लिए हैं और उसके बाद कॉफ़ी लिए है। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मेरे बेटे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और अभी नेक्स्ट वीक इसका भी रिज़ल्ट है। तो आप लोग इसके लिए भी दुआ कीजिए कि और इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आ जाए और हम लोग इसी तरह पार्टी करें। तो चलिए आ जाइए आप भी हमारे साथ पार्टी करने के लिए। और अब यहाँ से
निकल कर हम लोग घर वापस जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को घर से निकले हुए। तो चलिए अब घर जाते हैं। और अब इवनिंग के कुछ 6:30 बज रहे हैं और बच्चे नीचे क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाकर देख लेती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो काफ़ी कम बच्चे खेलने के लिए थे। कितने बॉल पे आउट हो गए? रोजाना यहाँ पर काफ़ी बच्चे होते हैं, बाकी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसके लिए आज कम आए हैं बच्चे लोग खेलने के लिए। तो यहाँ पर इन लोग क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। आउट हो गया, देखो गिर गया नीचे इस टाइम। तो आप लोग ये वीडियो देखकर आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।